हेलो एवरीवन, मैं हूँ रुचि और डू इट विद रुचि में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगी गाजर का हलवा बनाना। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 किलो गाजर ली थी, उनको मैंने पहले छील लिया था और फिर मैंने धो लिया और फिर मैंने कद्दूकस कर लिया था। तो ये 2 किलो गाजर है जिनको मैंने कद्दूकस कर लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गैस पे इनको हम रख देंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इनको ऐसे ढक करके छोड़ देंगे। ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी और इनका जो मॉइस्चर है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तब तक हम इनको गैस पर रखते हैं और ढक करके इनको हम छोड़ देते हैं। जैसे 5 मिनट हो गया हमको, अब हम एक बार इनको चला देते हैं और इस तरीके से हम इनको अच्छे से चला देंगे ताकि ये नीचे से लगे नहीं। फिर हम चला करके इनको ढक करके छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं ये काफ़ी सॉफ्ट भी हो गई हैं पहले से और क्वांटिटी भी इनकी काफ़ी कम हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। ये 1 चम्मच मैंने घी लिया, ये डाल करके हम इसमें अच्छे से मिला करके और इसको हम फिर से 5 मिनट के लिए करीब इसको ढक करके छोड़ देंगे। अब 5 मिनट हो गए हैं, पानी बिल्कुल इसका पूरी तरीके से सूख चुका है। तो अब मैंने यहाँ पर 1/2 किलो चीनी ली है। 2 किलो गाजर थी तो मैंने 1/2 किलो चीनी ली है। अगर आप कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप चीनी की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। तो अब चीनी डाल के इसको अच्छे से मिला करके हम और इसको ढक करके छोड़ देंगे। गैस का फ्लेम अब हम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे इसको हम पकाएंगे। तो करीब 5 मिनट बाद हम खोल के देखते हैं तो जो चीनी थी उसने पानी छोड़ दिया है। तो अब हमें क्या करना है कि जो ये पानी दिख रहा है इसको हमें पूरी तरीके से, ये जो पानी है ये पूरी तरीके से गाजर में जब तक एब्जॉर्ब हो जाएगा तब तक हम इसको पकाएंगे। बीच बीच में हम इसको खोल के देखते रहेंगे। अब मैंने यहाँ पर 1/2 किलो मावा लिया है, तो मैंने टुकड़ों में तोड़ लिया मावे को। गैस पर एक पैन रख दिया है और मावा को हम क्या करेंगे, अब भून लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम मावा को चलाते हुए लगातार और इसको हम भून लेंगे। तो मावा हमारा भुन चुका है। तो हम देखते हैं कि जो चीनी ने पानी छोड़ा था वो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो चुका है गाजर में। तो जो हमने मावा भून रखा था अब वो मावा हम इसमें डाल देंगे। ये मावा हम इसमें डाल के और अच्छे से हम इसमें मिक्स कर देंगे मावा को। इस तरीके से चलाते हुए मावा को हम मिला देंगे गाजर में। अब मैंने छोटी इलायची ली थी यहाँ पर 5, उनको मैंने कूट लिया था। तो ये इलायची मिला देंगे हम इसमें और इसको हम ऐसे 4 से 5 मिनट के लिए गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे और ढक करके छोड़ देंगे। 4 या 5 मिनट बाद हम इसको खोल करके और अच्छे से मिक्स कर देंगे, चला देंगे। गाजर का हलवा हमारा बन करके रेडी है। मैंने यहाँ पर 8-10 काजू लिए हैं और 8-10 बादाम, इनको मैंने टुकड़ों में काट लिया था। इससे हम गार्निश कर देंगे हलवे को। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। गाजर का हलवा हमारा बन करके तैयार है। इसको आप गर्मा गर्म सर्व करें। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।